बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल यूनिक डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गाजर फिर। और इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आइए मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। ये ड्राई फ्रूट है जिन्हें मैंने फाइन ग्रेड किया है। इसमें आप इसकी कमी बेशी कर सकती हैं। इसमें कोकोनट भी है, अखरोट भी है, बादाम भी है, किशमिश भी हैं। चीनी है तकरीबन एक पाव। दो दरमियाने साइज की गाजरें हैं जिन्हें मैंने बारीक ग्रेट किया है। इसके अलावा ये हमारे पास खजूर का पेस्ट है। खजूर को आप अपनी मर्जी के मुताबिक, चाहे जितने भी आप ले सकें, 8-10 या इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं, उसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दें। भिगो के आप उनकी गुठली निकालें और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उसके तरह आपको ये पेस्ट हासिल हो जाएगा। ये फ्रेश क्रीम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रेश क्रीम जो है, पैकेट वाली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप घर में अपनी फ्रेश क्रीम को जमा कर लें और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा ये चावल का पेस्ट है। इसके लिए भी आपको साबुत चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा चावल ले लें, जिसे हम आमतौर पर टोटा चावल कहते हैं, उसे आप पानी में भिगोएं और भिगो के उसका पानी निकाल दें। पानी निकालने के बाद आप इसमें थोड़ा इतना दूध डालें जिसमें ये आसानी से ग्राइंड हो सके। ये देखिए, आप इसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास पिसी हुई छोटी इलायची है और दूध है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। ये दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अभी हम इसका इंतजार करेंगे जब तक इसको उबाल ना आ जाए। देखिए, हमने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था और अब इसमें उबाल आ गया। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ते अपने चीजें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिए। अब इसमें मैं सबसे पहले पिसे हुए चावल डाल रही हूं। इसके साथ ही मैं बारीक ग्रेट की हुई गाजरें, ड्राई फ्रूट साथ ही डाल देंगे हम। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हमने इसका फ्लेम जो था वो बहुत आहिस्ता कर दिया था। इसको उसी फ्लेम पे, यानी कि बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे, यहां तक कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। ये बहुत अच्छी तरह से पक रही है, लेकिन अभी ये मजीद हम इसको पकाएंगे जब तक ये, देखें, ये इसका जो बारीक सा दाना है ये बिल्कुल ना घुल जाए चावल का। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड किया था, लेकिन अभी हम इसे बहुत अच्छी तरह से और पकाएंगे। अब हम इस जगह पर ये फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। जब आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हों, अपने घर वालों के लिए बना रहे हों, तो आप ये प्रेफर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। वैसे तो बाज़ार में भी हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो घर की ही हों। ये क्रीम, और उसके साथ मैंने आपसे कहा था ये तकरीबन 3-4 छोटी इलायची है, ये डाल देंगे हम। और इसे अभी हम उसी धीमी आंच पे मजीद पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये अब ये कंडीशन हो गई है कि इसका दाना बिल्कुल उसके बीच में हल हो गया है और ये थिक भी हो गई है। इसमें बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्याजी कलर आ गया है। मैंने इसमें कोई रेडीमेड कलर यूज़ नहीं किया, ये इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है। ये बहुत लाइट बेबी पिंक इसका कुदरती कलर आया है
और अब जो हमारे दो इंग्रेडिएंट्स रह गए थे हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था खजूर का पेस्ट, इसे मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि खजूर में क्योंकि खुद अपनी बहुत ज़्यादा चीनी मौजूद होती है, इसलिए मैंने इसमें चीनी की मिकदार जो है वो काफ़ी कम रखी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को या खजूरों को, दोनों को बढ़ा सकते हैं जैसे आप पसंद करें। जी अब ये चीनी, इसे हम अच्छी तरह से अभी पकाएंगे। तकरीबन ये 5 मिनट और पकेगी ताकि चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये एक बहुत यूनिक डिश है और इंशाल्लाह जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। फुल ऑफ एनर्जी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, यानी कि हर उम्र के अफराद इसको बहुत एनर्जेटिक, ये उनके लिए है क्योंकि इसमें खजूरें हैं और गाजर है, फ्रेश क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, यानी कि हर चीज़ जो है वो ग़ज़ाइयत से भरपूर है। जी ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। मैंने चीनी और बलाई डालने के बाद इसको तकरीबन 5-6 मिनट और पकाया है और अब ये देखें इसका दाना चावल का बिल्कुल घुल गया और ये सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। इसका बहुत खूबसूरत कलर आया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे डिश आउट करते हैं। नाज़रीन ये बिल्कुल तैयार है। अब आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।